जी मतलब 9th-10th में ऐसे जो कनेक्टेड टॉपिक्स होते थे वो एनसीईआरटी मैंने पहले पढ़ ली थी, बट ऐसा था जब 11th में जब मैंने मतलब 11th थी तो फिर क्लास में टीचर पढ़ाते थे, उसके बाद वो मैं नोट्स देखती थी एक बार, फिर जो कोचिंग का मॉड्यूल होता था वो एक बार पूरा पढ़ के फिर लाइक आइडिया लग जाता था कि चैप्टर में क्या है, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी। हाउ मच डिड यू स्कोर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री में 180 थे। सो द 5 मार्क्स यू लॉस्ट वर इन बायोलॉजी। फिजिक्स में मतलब आई वॉज इंटरेस्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, कि 9th-10th में मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मतलब दे लाइक वो 10th जो 11th-12th का पोर्शन था जो कनेक्टेड था ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा करवा दिया था 9th-10th में। तो फिर फिजिक्स में मैं शुरू से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, ऐसे मतलब पढ़ के ऐसा सेटिस्फेक्शन आता था, तो फिर मैंने जेई की भी काफ़ी बुक्स कर ली थी, तो फिजिक्स वॉज अ सब्जेक्ट जिसमें मैं थी कॉन्फिडेंट थी कि ये तो मैं कर ही लूंगी कैसा भी। हाय एवरीवन, सो आज मेरे साथ हैं तनिष्का जो कि नीट 2022 की टॉपर हैं, और मैं उनसे बात करूंगी बहुत सारी बातों के बारे में। तो जो तुमने सुना है कि स्ट्रैटेजी क्या है, तैयारी कैसे करी है, कैसे करनी है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट आई वांट टू नो कि अब करने के बाद कैसी लाइफ है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, एंड आई वांट टू नो हर एज अ पर्सन कि टॉपर्स मतलब व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, लाइक आर दे डिफरेंट फ्रॉम अस और लाइक दे आर लाइक जस्ट नॉर्मल पीपल हु वर्क वेरी हार्ड। लेट्स स्टार्ट। हाय तनिष्का। So I would like to know, before your NEET journey, how were you as a kid? Like जब तुम छोटी थी तो तुम कैसी student थी? How were you as a kid? मैं मतलब थोड़ी ज़्यादा अभी भी मतलब इतनी extrovert नहीं हुई मैं, but उस time में बहुत ज़्यादा introvert थी और ऐसे studies के लिए तो serious थी शुरू से। तो जैसे तुम first class में थी तो तुम तब से first आती थी class में? Almost। First, second, third, fourth, fifth, कब तक तुम first आई हो? ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी। उसके बाद भी मतलब 11th-12th तक ऐसा मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही था। अच्छा, तो जनरली ऐसा होता है ना कि जो बच्चे शुरू में बहुत अच्छा करते हैं वो बाद में जाके बिगड़ जाते हैं, तो तुम कभी नहीं बिगड़ी, तुम थ्रू आउट टॉपर रही हो, थ्रू एंड थ्रू टॉपर रही हो। ऐसा नहीं था कि हर बार फर्स्ट, बस ऐसे टॉप 5 में थी ऑलमोस्ट, हमेशा टॉप 5 में तुम रहती थी। एंड तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लगता था कि ये हमारी लड़की हमेशा टॉप 5 में रहती है? हाउ डिड दे फील? वो वैसे बाद में उनके लिए काफी नॉर्मल सा हो गया था, उनको था ठीक है ये तो आ ही जाएगी। सो डू यू हैव एनी सिब्लिंग्स? हाँ, अ यंगर सिस्टर हु इज इन लाइक शी विल मूव टू 11th नाउ, एंड अ यंगर ब्रदर हु इज इन 5th क्लास नाउ। सो जो 11th वाली है वो व्हाट स्ट्रीम हैज शी टेकन? बायोलॉजी। ओके, सो ऐसा नहीं कभी होता, बिकॉज तनिष्का इज सच अ वंडरफुल स्टूडेंट, डोंट यू पेरेंट्स कंपेयर योर सिब्लिंग्स टू यू कि अरे इतना पढ़ती है यार तुम लोग भी पढ़ लो, और आर दे ब्रिलियंट एज वेल? पेरेंट्स नहीं करते जनरली कंपेयर, क्योंकि कंपेयर करने से ऐसा नहीं होता ना कि कुछ फायदा होगा। कंपेयर करने से जनरली लोग डीमोटिवेट ज्यादा हो जाते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि तुम कर रहे हो तुम करते रहो। सो हाउ आर दे एज स्टूडेंट्स? मतलब एवरेज तो है। तुमने सबकी लाइमलाइट ले ली। ओके, मेरे पेरेंट्स तो बहुत कंपेरिजन करते थे, तुम ओके। सो तुमने कब सोचा कि तुम आई वांट टू बी अ डॉक्टर? डिड समबडी tell it to you? Did you come on upon it like yourself? How did you get motivated? शुरू में 10th में I was little bit confused कि मुझे maths लेनी चाहिए कि bio, but finally then I decided कि मैं bio की। तुम्हारा अपना ही decision था ये? किसी ने नहीं बोला, parents ने कि नहीं नहीं doctor बन जाओ? parents बोलते थे तुझे जो करना है तू कर, हम तुझे हमेशा support करेंगे। तुम्हारे तुम लोग कहाँ से, originally कहाँ से? महेंद्रगढ़ हरियाणा। इतने supportive parents, हरियाणवी parents इतने supportive? मैं भी हरियाणा से हूँ। सो तुमने डिसाइड किया कि तुम बायोलॉजी लोगे 10th में, तो तुम्हें नीट का कब पता चला कि नीट ऐसे करके एग्जाम होता है और उसकी तैयारी करनी होती है? वो तो 6th-7th से ही पता था। अच्छा, तुम्हें पता था? स्कूल ऐसा था तो फिर ऐसे। कौन सा स्कूल था? यदुवंशी शिक्षा निकेतन। अच्छा, वो कहाँ पे? नारनौल में, मतलब मेरे होम टाउन के पास। अच्छा, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ऐसे हर साल सिलेक्शन होते थे तो रिजल्ट आता तो फिर पता चल गया। अच्छा, और वो बच्चों के सिलेक्शन स्कूल की टीचिंग से ही हो जाते थे और डिड दे गेट सम कोचिंग और समथिंग? स्कूल से हो जाते थे काफी। इट वाज अ वेरी गुड स्कूल देन। ओके, सो तुम्हें पहले से पता था कि नीट कुछ होता है एंड तुम्हारा 10वीं तक मन बन गया दैट मैं नीट करने वाली हूँ। सो तुमने एक्चुअल प्रिपरेशन कब से शुरू करी? एक्चुअल तो सर नीट ओरिएंटेड तो 11th से शुरू की थी। 11th से शुरू करती है, सो 10th में यू डिड नॉट? 10th में मैं कर रही थी बट ऐसा आई वाज नॉट क्लियर कि मुझे नीट ही करना है। अच्छा, मतलब you liked biology more than maths? No, I like bio maths मुझे equally पसंद थी। 9th से मैंने 11th-12th का थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था but in 10th I finally decided कि मुझे नीट ही करना है। Okay, so 11th में भी तुमने दोनों लिए थे? नहीं, 11th में सिर्फ bio। Like you decided। So
I have never, you know, met a student who is equally good in biology and maths. I am not that student. Like, how did you do that? Or were you like this only? मुझे मैथ्स क्योंकि वो फिजिक्स में अच्छे से करती थी तो मैथ्स हो जाती थी उसके साथ. हाँ, लाइक बोथ पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन आर वर्किंग वेरी नाइसली आई गेस. ओके, सो जब आप प्लस वन में आए और आपको लगा कि अच्छा मुझे मेडिकल नीट क्रैक करना है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक? टेंथ तक मैं स्कूल में थी, फिर इलेवेंथ में मैंने एलन ज्वाइन किया था. उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर ऐसे नीट ओरिएंटेशन किया. सो ये जो इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया था, ये घर के पास ही था? यू वेंट टू कोटा? आई वेंट टू कोटा, लेकिन इलेवेंथ तो इट वाज ऑलमोस्ट ऑनलाइन. फिर ट्वेल्थ में मैं थोड़े टाइम के लिए गई कोटा, बट फिर वापस से लॉकडाउन लग गया था. फिर लॉकडाउन के बाद सेप्टेम्बर में आई मूव टू कोटा. अच्छा, इलेवेंथ वॉज ऑनलाइन? हाँ, ऑलमोस्ट पूरा ऑनलाइन ही था. पूरा ऑनलाइन ही था. And then 12th में आप गए, but then you came back because of lockdown, and then you went back again. September. अच्छा, so you prepared when there was a lockdown. Like how did it affect you? Like इतना effect नहीं हुआ था क्योंकि classes तो they were going online also. But जब मैं कोटा गई तो फिर I felt कि offline better है, but online भी मैंने जितना मैं कर सकती थी वो मैंने किया था. Okay. So how was your experience in कोटा? देखो अभी कोटा क्या है, बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्सीज है वहाँ पे. मतलब ऑल दो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टडी एंड यू नो प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारे यू नो स्टूडेंट सुसाइड्स वाली बात हो गई, देन बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन वाली बात हो गई, एंड देन आए दिन नई नई न्यूज़ मिलती हैं. तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कोटा का? मेरा एक्सपीरियंस तो एज ऑल मतलब अच्छा ही था, क्योंकि मैं मतलब मेरी कोचिंग थी, मैं सामने रहती थी और मेरे पेरेंट्स मतलब नहीं रहते थे, मैं अकेली रहती थी, बट वो हर ऐसे 20-30 डेज में आ जाते थे और मेरे लिए मतलब मैं टीचर से भी काफ़ी कनेक्टेड थी. तो मेरे साथ ये डीमोटिवेटेड फील होना, ऐसे डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें नहीं हुई. काफ़ी लोगों के साथ होता है, तो उसके लिए मतलब अगर तुम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ टच में रहते हो तो ये चीज़ तुम अवॉइड कर सकते हो. डिड यू हैव फ्रेंड्स देयर? नहीं थे फ्रेंड्स तो. यू वर लाइक यू वर्कड अलोन एंड यू स्टडीड अलोन. सो मेरे को जो एक बात यहाँ से समझ में आ रही है, एंड इट्स फॉर ऑल द पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है आपका बच्चा वे मोर अच्छा करता है जब आप अपने बच्चे से कनेक्टेड रहते हैं, एंड जब आप अपने बच्चे को डिस्कनेक्ट कर देते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के एंड स्टफ लाइक दैट, तो एकदम से उसका बिल्कुल ही उल्टा रिजल्ट आता है जो आप चाहते हैं, जो वो है. तो योर पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट सपोर्ट, जो मुझे समझ में आ रहा है. ओके, सो इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ठीक है? लाइक जैसे तुमने बायोलॉजी की बुक उठाई पहली बार, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू लाइक, जैसे एक बच्चे के दिमाग में स्ट्रेटजी नहीं होता है, बस वो करता जाता है जो वो कर रहा है. तो कैसे आपने बायोलॉजी को कंप्लीट किया, कैसे आपने उसको लर्न किया, कितने आपके नंबर आए थे नीट में? बायोलॉजी मतलब 9 10th में ऐसे जो कनेक्टेड टॉपिक्स होते थे वो एनसीईआरटी मैंने पहले पढ़ ली थी, बट ऐसा था जब 11th में जब मैंने मतलब 11th थी तो फिर क्लास में टीचर पढ़ाते थे, उसके बाद वो मैं नोट्स देखती थी एक बार, फिर जो कोचिंग का मॉड्यूल होता था वो एक बार पूरा पढ़ के फिर लाइक आइडिया लग जाता था कि चैप्टर में क्या है, फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी. तो मतलब वैसे ऐसा नहीं होता था कि मुझे ऐसे क्राम करनी पड़ रही है चीज़ें, से क्लास को अच्छे से सुनो तो ऐसे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो फिर एनसीईआरटी अपने आप ही आती जाती थी. लेकिन कुछ लाइंस एनसीईआरटी की जो नहीं होती क्योंकि वो इतनी पिक्यूलर और टिपिकल लाइंस होती हैं वो रह जाती हैं, तो उनको कैसे लर्न किया तुमने? उनको ऐसे जो ऐसे बिल्कुल ही जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह होते थे या फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सी लाइन होती थी जो याद ही करनी पड़ेगी नीट में आएगी तो दे विल तो फॉलो एनसीईआरटी ओनली, तो फिर वो ऐसे मैं मार्क कर लेती थी और उनको ऐसे बार बार पढ़ती थी तो वो याद हो जाता. अच्छा, लिख लिख के नहीं तुमने प्रैक्टिस किया? नहीं, कभी पढ़ के बार बार पढ़ के प्रैक्टिस किया. तो 2022 में तुमने कितना स्कोर किया था बायोलॉजी में? बायोलॉजी में 355. यू नो यू आई आल्सो गिव नीट 2022 लाइक एज अ यू नो एज अ टीचर, मैंने कहा चलो जाके देख के आते हैं. आई आल्सो गिव द एग्जाम एंड आई फाउंड बायोलॉजी प्रीटी नॉट टफ बट लॉन्ग लेंथी. So, उस चीज का अफेक्ट पड़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर बिकॉज़ बहुत लेंदी थी. नहीं, मेरे साथ क्या हुआ था कि मतलब मैं एग्जाम देने गई तो फिर आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी फर्स्ट, क्योंकि पहले आई यूज्ड टू लाइक आई यूज्ड टू डू फिजिक्स फर्स्ट, देन टीचर्स टोल्ड कि पहले तू बायो को कर फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे आ. तो I started with the paper and I found कि pattern थोड़ा different है. तो I started with questions, तो फिर मैंने देखे questions एक दो देखे, फिर I found कि एक बार मैं first time में जो मुझसे एक बार पढ़ के हो रहे हैं वो मैं कर देती हूँ. तो ऐसे मैंने first round में question की, उसके बाद almost मैंने काफ़ी questions छोड़ दिए, जैसे 30-35 के अराउंड मेरे first round में नहीं हुए थे क्योंकि काफ़ी वो वाले question थे ना statement based. तो फिर मैंने physics, उसके बाद मैंने उन questions को छोड़ा और मैं direct physics chemistry पे move कर गई. तो पहले round में कितना
टाइम लगा तुम्हें बायोलॉजी कंप्लीट करने? मुझे ऐसे तो एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइम पता था कि अगर उस टाइम मैं टाइम पे फोकस करती तो फिर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती। इसे टाइम तो नहीं याद मुझे, बट फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री फटाफट कर ली, फिर मैंने वो बायो के क्वेश्चन करे तो फिर पेपर तो हो गया था मेरा पूरा, बट उस टाइम आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि जो मैंने क्वेश्चन करे हैं वो सही ही होंगे क्या, बट फिर आके जब मैच किया तो फिर लगा कि हाँ अच्छा चला गया। सो तुमने पहले बायोलॉजी करी एंड देन कुछ चीजें जो थोड़ी मुश्किल थी वो छोड़ दी, देन यू डिड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देन यू केम बैक टू बायोलॉजी। सो हाउ डिड यू, हाउ मच डिड यू स्कोर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स केमिस्ट्री में 180 थे। सो द 5 मार्क्स यू लॉस्ट वर इन बायोलॉजी, प्रीटी गुड। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स बच्चों को मुझे लगता है, देखो मेडिकल जनरली बच्चे लेते हैं जो बायोलॉजी से अट्रैक्टेड तो होते हैं, साथ में वो मैथ से पुश रहे होते हैं, मैथ्स उन्हें धक्का दे रहा होता है कि जाओ तुम मेडिकल ही ले लो। सो हाउ डिड यू लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह फिजिक्स का कहाँ से रहा, हाउ डिड यू प्लान एंड मैनेज फिजिक्स? फिजिक्स में मतलब आई वॉज इंटरेस्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, कि 9th 10th में मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मतलब दे लाइक वो 10th जो 11th 12th का पोर्शन था जो कनेक्टेड था ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा करवा दिया था 9th 10th में। तो फिर फिजिक्स में मैं शुरू से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता था, ऐसे मतलब पढ़ के ऐसा सेटिस्फेक्शन आता था, तो फिर मैंने जेई की भी काफी बुक्स कर ली थी, तो फिजिक्स वाज अ सब्जेक्ट जिसमें मैं थी कॉन्फिडेंट थी कि ये तो मैं कर ही लूंगी कैसा भी है। तो ये चीज मैंने और टॉपर्स में भी देखी है, दे समहाउ आर मोर कॉन्फिडेंट इन फिजिक्स, मतलब क्यों पता क्या, जो मेहनती बच्चा होता है ना वो बायोलॉजी कर लेता है, चाहे उसको अच्छी ना भी लगे तो भी वो बायोलॉजी कर लेता है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसी चीज है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब आप लाइक तब उसको उतने अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो दैट यू हैड दैट इन योर फेवर, आई थिंक यू हैड बोथ ऑफ देम इन योर फेवर, लाइक यू लाइक बायोलॉजी यू लाइक फिजिक्स। ओके, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में बेसिकली फिजिकल के साथ फिजिक्स वाली चीज थी कि वो मैं मुझे ऐसे पढ़ के मजा आता था और फिर क्वेश्चन भी मैं कर लेती थी, तो फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एलन के जो जेई वाले मॉड्यूल्स थे वो सब कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आई वॉज मतलब कॉन्फिडेंट इनफ कि कैसा भी पेपर आएगा मैं कर लूंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी थोड़ी वीक थी स्टार्टिंग में कि मतलब मुझे चीजें इतनी याद नहीं होती थी, तो फिर उसमें रट्टा तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, रट्टा कम लगता है। ओके, आई रेड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स की जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा था, उसके बाद एंड में इनऑर्गेनिक में भी लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट कि क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में डेप्थ से भी आ गया तो एक दो क्वेश्चन मिस हो भी जाएंगे बट मोस्टली मैं कर लूंगी। ओके, लाइक तुमने कहा कि तुमने मल्टीपल बुक्स से प्रैक्टिस करी है ना, तो देन हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम, लाइक जैसे तुम्हारे पास सुबह से शाम तक है, तो मैं तुम्हारी अगर सुबह से दिनचर्या की बात करूं कोटा में तो क्या तुम्हारी दिनचर्या थी? लाइक द क्लासेस वर फ्रॉम 7 to 12, तो उसके बाद आई हैड माय लंच फ्रॉम 12 to 1, देन फ्रॉम 2 आई स्टार्टेड स्टडीइंग, तो फिर मैं 2 से पढ़ती थी, उसके बाद डिनर में 8 बजे के आसपास करती थी। 2 से 8 तक कंटीन्यूअस पढ़ती थी तुम? कंटीन्यूअस तो नहीं, बट ऐसे मतलब बीच में पेरेंट्स से बात करने के लिए ब्रेक ले लेती थी, या फिर ऐसे अपनी छोटी बहन से बात कर लेती थी, और ऐसे बीच में अगर नींद आ जाती थी सो भी जाती थी। मतलब आई डिडंट हैव एनी फिक्स शेड्यूल कि ऐसा कि इतने से इतने तक पढ़ना है, बट ऐसा होता था कि जो आज क्लास में पढ़ा है वो आज के आज खत्म करके बैकलॉग नहीं रखना बेसिकली। ओके, देन 8 बजे डिनर, डिनर फिर ऐसे 9 बजे वापस पढ़ना शुरू करती थी, फिर 11 तक पढ़ती थी, 11:30 तक पढ़ती थी, फिर सो जाती थी। So you had no distractions? मेरा question मैं सोच के बैठी थी, I'll ask you like how did you manage like distractions, but I think you didn't have any, like ये तो बच्चों के लिए बहुत discouraging हो जाएगा कि भाई इस लड़की को तो distraction ही नहीं था, तो like you had no distractions? मतलब नहीं होता था ऐसे mostly, अगर ज्यादा बोर हो जाती थी तो ऐसे YouTube पे कुछ देख लिया, बाकी तो फिर ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं थे कि किसी के साथ बाहर जाऊँ या कुछ भी, तो ऑलमोस्ट पूरा दिन पढ़ती थी। तो क्या हमें बच्चों को ये मैसेज दे देना चाहिए कि फ्रेंड्स मत बनाओ प्लस? नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल वाले जो थे मैं उन्हीं से बात करती थी, क्योंकि कोटा में आई वॉज लाइक अबाउट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर जान, तो ऐसे 4-5 महीने थे, तो मैं लोगों से इतना कनेक्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफी लोग थे वो ऐसे शुरू से एक दूसरे को जानते थे, तो मेरे वो 10th वाले फ्रेंड्स ऐसे कभी मन किया तो ऐसे कॉल पे बात कर लेती थी, बाकी ऐसे ऐसे नहीं था कि मेरे नए फ्रेंड्स वहां पर बने थे, और फिर पूरे बैच में ऐसे देवर स्टूडियस पीपल ओनली जो पढ़ते रहते थे, तो फिर ऐसा कुछ था भी नहीं। तुम्हारी बातों से जो मुझे लगा लाइक यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑफलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन तुम्हें इतना नहीं अच्छा लगा था, तुमने ऑनलाइन पढ़ा? हाँ, ऑफलाइन बेटर था। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट नाउ, लाइक जब ऑनलाइन इतना ज्यादा इवॉल्व कर गया, लाइक जगह जगह से देयर आर टीचर्स, देयर आर मल्टीपल यू नो पीपल हु आर डूइंग इट, हाउ डू यू फील अबाउट, हैव यू सीन रिसेंटली द यूट्यूब कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे नीट कैटेगरी में? तो बहुत ज्यादा हो गया ऑनलाइन, मतलब एक तरीके से द पीपल हु कांट अफोर्ड, कि मतलब कोटा में जब एक बच्चा जाता है तो फिर एक्सपेंस काफी ज्यादा हो जाता है, तो फिर सम पीपल कैन अफोर्ड इट बट सम कांट, तो उनके लिए ऑनलाइन काफी अच्छा ऑप्शन है। और ऐसे
फिर जो लोग पेरेंट्स की से दूर नहीं भी रह सकते या फिर जिनको घर से ही करना है, तो फिर मतलब ऑनलाइन इज अ गुड ऑप्शन. तो तुमने आसपास देखा तुम्हारे बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डिड यू एवर पे एनी अटेंशन टू देम कि वो कैसे पढ़ रहे हैं? डिड यू कंपेयर योरसेल्फ, डिड यू सी कि अच्छा वो क्या गलतियां कर रहे हैं? और व्हाट लाइक योर फोकस वाज ऑन योर ओन? माय फोकस वाज मी. अच्छा, तुम्हारे लिए दुनिया गायब हो चुकी थी आसपास वाली. देयर वर जस्ट यू, योर गोल एंड योर बुक्स. बच्चों समझ रहे हो तुम, तुम्हें अपनी दुनिया आसपास की बस गायब कर देनी है. यू जस्ट हैव टू बी देयर, अपनी किताबें, तुम, तुम्हारा गोल, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन. क्योंकि ऐसे हम बाकी से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो मतलब एक चीज जब तुम बाकी से कंपेयर करके तुम सीखते हो तो वो चीज पॉजिटिव होती है. बट ऐसा होता है ना कि हम ऐसे देखने लगते हैं कि ये बंदा कम पढ़ रहा है बट इसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो वो फिर तुम्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि मतलब मेरा IQ उतना नहीं है. तो इससे बेटर है कि तुम खुद का पढ़ो और फिर खुद के मार्क्स. तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की कोई मुझसे कम पढ़ के ज्यादा नंबर ले? ऐसा नहीं होता था, बट ऐसा होता था कि काफी बार ऐसे मैं सिली मिस्टेक्स कर देती थी, तब मुझे लगता था कि बाकी ये नहीं कर रहे बट मैं क्यों कर रही हूँ. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बाकी की गलती से नहीं करना कुछ भी, मुझे बस जो मैं गलतियां कर रही हूँ उन पे काम करके उनको इम्प्रूव करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. आप लोग सुन रहे हो, लेकिन अगर आप दूसरे पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे ना तो आप अपने आप के ऊपर नहीं फोकस कर पाओगे. आप जेलस हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे. एंड मोर यू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू विल बी एबल टू, मतलब हमें तो अपना ढूंढना है ना, व्हाट वर्क्स फॉर अस, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस, हाउ टू चेंज व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस, है ना. सो आई लाइक दिस पॉइंट, आई लाइक दिस पॉइंट. And how is life now? Like you have cracked your dream college. Is it the dream life you always wanted, or you? It's not like ठीक है, मतलब इतना भी कुछ नहीं है जैसा लगता था बाहर से. मतलब obviously ऐसे थोड़ी बेटर तो है, क्योंकि 11th 12th में ऐसे कभी कभी ऐसा थोड़ा भी लगता था, बहुत ऐसे मोनोटोनस हो जाता था. अब भी बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि काफी लोग बोलते हैं ना कि बस अभी पढ़ लो फिर नहीं पढ़ना. पढ़ना तो उसके बाद भी पढ़ता है और पढ़ना चाहिए भी ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि हमारे फर्स्ट ईयर थोड़ा चलता है बट सेकेंड ईयर में सब पोस्टिंग्स वगैरह भी होती है, एग्जाम्स भी होते हैं और सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो पढ़ना पड़ता है. बट ऐसा होता है कि तुम कॉलेज में तुम्हारी लाइफ बैलेंस हो जाती है कि फन वाला कॉम्पोनेंट भी है, स्टडीज वाला कॉम्पोनेंट भी है, फ्रेंड्स वाला कॉम्पोनेंट भी है, तो बेटर तो है obviously. Did you make friends here? हाँ, you have a lot of friends now. And are you still like this much introvert जो पहले थी तुम? अभी थोड़ा change किया, थोड़ा improve किया. Are you liking it? Okay. मैं ये जानना चाहती हूँ कि तैयारी के टाइम डिड यू एवर फील अनबैलेंस्ड, लाइक मेंटली और फिजिकली, कि अच्छा बॉडी में पेन हो गया बैठ बैठ के, और यू लाइक नॉट हैप्पी, नॉट एबल टू फोकस, एंड इफ इट वॉज देयर देन हाउ डिड यू मैनेज दैट? ऐसे फिजिकल वाला तो नहीं था, क्योंकि ऐसे मैं प्रॉपर खाना अच्छा खाती थी, ऐसे डाइट अच्छी थी, तो ये फिजिकल वाला कंपोनेंट तो नहीं था, क्योंकि मतलब मैं बीमार भी ज्यादा नहीं पड़ती थी. बट ऐसे कभी कभी होता था जैसे बहुत अकेला लगने लगता था, जैसे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा कमी फील होती थी, तो ऐसे ऐसा हुआ था काफी बार. ऐसे कॉल करके घर पे रोई भी थी मैं कि मतलब मुझे नहीं रहना अकेले, तो फिर पेरेंट्स आ जाते थे तो वो चीज हो जाती थी. जैसे पेरेंट्स से बात करके फिर अच्छा लगता था कि ठीक है थोड़ा टाइम है मैं कर लूंगी और ये चीज तो मुझे करनी ही है. बट ऐसे काफी लोगों के साथ होता है कि मतलब ऐसे उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते तो डीमोटिवेटेड फील होते हैं, तो आई थिंक उसमें बेस्ट चीज, बेस्ट ऑप्शन उस चीज से डील करने का यही है कि यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स और उनसे बात करो कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और उनसे बेटर तुम्हें उस चीज का सलूशन नहीं दे सकता कोई. अच्छा मुझे एक बात बताओ, लाइक इट्स नॉट रिलेटेड टू योर सिचुएशन, व्हाट इफ अ पर्सन डजंट हैव सपोर्टिव पेरेंट्स, व्हाट शुड सच एस्पिरेंट्स डू? लाइक इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन एंड आई डोंट नो, लाइक यू आर स्टिल लाइक ग्रोइंग, सो बट व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? होता है कुछ लोगों के पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की भी नई गलती होती है, क्योंकि वो लोग इतना तुम पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हर मतलब वो मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी, तो और एक टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब कुछ लोगों के साथ होता होगा शायद कि मतलब पेरेंट्स थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे कि इसके मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे, बट फिर उस एंड पे मतलब तुम्हें क्या तो ऐसे मतलब तुम्हारे फ्रेंड सपोर्टिव होने चाहिए, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, या फिर तुम्हें मतलब जब तक एक चीज वो भी होती है कि जब तक तुम अपना मोटिवेशन दूसरों में ढूंढोगे तो वो थिंग वो चीज ऐसे काम नहीं करती लॉन्ग रन पे, तुम्हें एंड में मोटिवेशन खुद में ढूंढना पड़ता है, और क्योंकि वो तुम्हारा गोल है वो तुम करोगे तो एंड में फायदा तुम्हारा ही है, तो फिर करनी पड़ेगी वो चीज तुम्हें खुद से ही. बट ऐसे पेरेंट्स को भी समझना होता है कि ऐसा होता है काफी लोगों के साथ कि मतलब उनको ऐसे याद करने में प्रॉब्लम होती है, फिर हर किसी का IQ भी नहीं सेम होता, तो फिर पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स फोर्स करते रहेंगे उस चीज के लिए तो एक टाइम बाद बच्चों में और पेरेंट्स में गैप आ जाता है, मतलब डिस्टेंस हो जाते हैं बच्चे पेरेंट्स से, तो वो चीज मतलब हमें लगता है कि मतलब पेरेंट्स को लगता होगा कि वो अगर फोर्स करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे या फिर वो फोर्स करेंगे तो मार्क्स भी आएंगे, बट वो चीज एक टाइम बाद नेगेटिव ज्यादा हो जाती है, वो नेचुरली आनी चाहिए. Why did you want to become a doctor? Like, अब जब बच्चे होते तब तो हमें नहीं पता था, it's like, अच्छा बनेंगे, सब बन रहे हैं, हम भी बनेंगे. Like, what is your motivation now? Like, what do you want to do? Like, for
our country, for our society. मेरे साथ था कि मेरी नानी थी, उनको कैंसर था, तो फिर जब उनकी डेथ हुई थी तो मम्मी बहुत ज्यादा टूट गई थी, और ऐसे पूरे टाइम मतलब मम्मी उनके साथ थी, तो ऐसे मैंने मतलब उनको लिटरली बहुत ज्यादा से परेशान होता हुआ देखा था, तो आई फेल्ट कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. और फिर मतलब हम अपने आसपास देखते भी हैं कि पीपल डोंट हैव एडिक्वेट हेल्थ केयर, कि मतलब काफी लोगों को मतलब ऐसे मतलब हम जैसे जो आउटस्कर्ट्स होती है, ऐसे डिस्टेंस जगह होती है जहाँ पे ऐसे प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो ऐसे काफी लोगों के साथ तो होते हैं जो उनको प्रॉब्लम होती है वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती, क्योंकि मतलब इंडिया में इतना एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं है अभी. और फिर डॉक्टर लाइक इट इज अ मोर ऑफ अ नोबल प्रोफेशन, की मतलब तुम अर्न भी अच्छा करोगे और जब तुम किसी की लाइफ बचाते हो, फिर तुम किसी की भी हेल्प करते हो, तो काफी ज्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलती है तुम्हें. तो फिर ये चीज मुझे मतलब इस चीज की अच्छी लगती है. और डॉक्टर में ऐसा भी है ना कि तुम्हारे पास चैलेंज होते हैं कि हर डिजीज सेम भी नहीं होगी, तो फिर यू विल लाइक हर पॉइंट पे यू विल लर्न एटलीस्ट समथिंग. आई थिंक यू विल बिकम अ ग्रेट डॉक्टर. आई थिंक यू विल डू वेरी वेल. डू यू वांट टू वर्क इन अ रूरल सेटअप सम टाइम मे बी? Like you said, कि रूरल में हमें नहीं मिलते हैं अच्छे डॉक्टर्स, नहीं मिलते. Would you like to? I am not sure, but अगर मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल पाई तो I will do this. Okay. Okay. So अभी जो ऑनलाइन कोचिंग है, इट हैज मतलब एक क्रेज है ऑनलाइन कोचिंग का, है ना? लाइक बच्चे वही चीज बहुत कम प्राइस में और अपने घर के कंफर्ट से पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन ऑनलाइन कोचिंग, लाइक ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन कोचिंग बेसिकली द पीपल हु कांट अफोर्ड ऑफलाइन कोचिंग, उनके लिए तो काफी अच्छा है कि मतलब तुम अपने घर के कम्फर्ट में, मतलब अभी तो जैसे काफी अच्छे टीचर्स मतलब शुरू में जब ऑफलाइन ज्यादा चलता था, जैसे जब लॉकडाउन वगैरह कोविड वगैरह नहीं था, तो उस टाइम पे तो मतलब आई डोंट थिंक कि इतने अच्छे टीचर्स थे ऑनलाइन में. बट अभी जैसे आप भी काफी अच्छे, आपके लेक्चर्स भी काफी अच्छे, और बाकी टीचर्स मतलब काफी अच्छे कंटेंट है यूट्यूब पे, तो अगर वो चीजें जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते या फिर जो नहीं जा सकते से ऑफलाइन कोचिंग में, तो वो चीज उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि तुम अपने घर के कंफर्ट में मतलब उसी लेवल की एजुकेशन अगर तुम्हें मिल रही है, तो वो चीज काफी अच्छी है. मतलब बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्रोज एंड कॉन्स है, एंड ऑनलाइन कैसा नहीं है कि कुछ कॉन्स नहीं है, इट्स देयर. जैसे कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइक आपके सर पे टीचर डंडा लेके नहीं बैठेगा कि तुमने क्यों नहीं असाइनमेंट पूरी करी, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, सो यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड. लेकिन फायदे उसके ये चीज है दैट वन, यू आर एट द कंफर्ट ऑफ योर होम. जैसे तुमने भी कहा कि कभी कभी यू नो पेरेंट्स से दूर होके वी फील वेरी लोनली, कि हमारे पास सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है. सो ऑनलाइन में ये चीज है कि यू हैव योर सपोर्ट सिस्टम, आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एंड देन दूसरा टाइम बच जाता है, आने जाने का टाइम बच जाता है, एंड तीसरा प्राइसिंग, क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो वहां जाके पढ़ सके. और एजुकेशन की, और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सबको मिलना चाहिए, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी वी हैव, वी शुड हैव इट, राइट? एक और कौन है ये ऑनलाइन एजुकेशन का कि यू डोंट मेक फ्रेंड्स, लाइक आप घर में बैठ रहते हो बट यू डिडंट मेक फ्रेंड्स देयर आल्सो, लाइक तुम भी वहीं पे पढ़ी रही थी. ओके, मुझे तनिष्का से बात करके समझ में आया दैट शी इज अ स्वीट स्वीट गर्ल, एंड मुझे ऐसा लगता है लाइफ उतनी ही आसान हो जाती है जितना हम फोकस्ड होते हैं, क्योंकि आई थिंक यू आर वेरी फोकस्ड, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है ही नहीं जो कि आपको परेशान कर सके, है ना? तो या तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस हो ही नहीं, और अगर है तो वी नीड टू उनको साइड करके हमें अपना गोल क्लियरली देखना चाहिए. जितना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा उतना ज्यादा हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे. सो मैंने अपनी तरफ से जो मेरे मन में था पूछ लिया है, अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है, यू हैव मोर क्वेश्चंस, सो आप कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता दो, एंड आई विल आस्क हर, एंड देन वी विल गिव यू द आंसर्स. एंड थैंक यू सो मच, आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू. थैंक यू. या थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.